नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में, तो शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में। अब जैसे इसका नाम बोला जाता है, प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है बेसिकली, प्रो का मतलब होता है इन फेवर। तो अगर बात करें आपके मौखिक त्वचा और मौखिक वातावरण के बारे में, तो यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, नमी ज़्यादा रहती है, इसी वजह से बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया, विभिन्न नाना प्रकार के बैक्टीरिया जो है यहाँ पे पनपते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बताने की कोशिश करूँ तो रेंज जो जाती है पर ml ऑफ सलाइवा यानी कि आपके लार के 1 ml या आपके डेंटल प्लाक का 1 mg में कम से कम 10^8 to 10^9 बैक्टीरिया होते हैं। अब सोचिए कितने सारे बैक्टीरिया हैं। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बायोफिल मॉडल बताया कि इसमें सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, और डिजीज़ यानी कि मौखिक त्वचा या मौखिक स्वास्थ्य में जो है डिटोरिएशन जो होता है वो कब आता है, जब हार्मफुल बैक्टीरिया यानी कि ख़राब बैक्टीरिया वो ज़्यादा पनपने लगते हैं और आपकी बॉडी पे हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको या तो जिंजिवाइटिस, पेरोडोंटाइटिस या डेंटल केरीज और ओरल डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स एक्चुअली जो है अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके बॉडी में जब आप उनको लेते हो इन द फॉर्म ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन या सैशेज या लॉजेंजेस, वो जो है जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो अच्छे बैक्टीरिया जो है ख़राब बैक्टीरिया को जो है या तो वो कम्पीट करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि आपके मुंह में जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं यानी कि कोई भी पदार्थ है आपके मुंह में जो आप खाना खाते हो, जैसे भी जो भी चीज़ है, वो चीज़ जो है बेसिकली सारे टाइप के बैक्टीरिया का एक तरीके का पोषण होता है। अब ये जो अच्छे बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इसके दो टाइप के मैकेनिज्म्स हैं। या तो ये कोशिश करेंगे कि जो गंदे बैक्टीरिया या ख़राब बैक्टीरिया हैं उनसे कम्पीट करेंगे यही न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के साथ, या आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी वाला फंक्शन है उसको जो है एनहांस करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोबायोटिक्स में बहुत सारे जो है बैक्टीरिया आ जाते हैं, लैक्टोबैसिलस होता है, बायफिडोबैक्टीरियम होता है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज भी होती है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी जो है एक तरीके की जो है जो स्थिति है, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है मौखिक स्वास्थ्य के बारे में, उस पर यूज़ करा जाता है। एक चीज़ की मैं आप बता दूँ, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि प्रोबायोटिक्स यानी कि जो प्रोबायोटिक मेडिसिन आती हैं, ये आपका जो है एक तरीके से इलाज नहीं है आपके डिजीज़ का। मान लीजिए आपको कोई पेरोडोंटाइटिस यानी पाइरिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा एडजंक्ट है। एडजंक्ट का मतलब ये सीधा काम नहीं करेगा और ये कारगर नहीं रहेगा उसके लिए, इलाज एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन जो इलाज आपका चल रहा है उसके साथ जो है हेल्प करेगा उसके इलाज की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। सबसे अच्छी बात प्रोबायोटिक्स की होती है कि इसके कोई लॉन्ग टर्म जो है सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते, यानी कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसका और ये आराम से पच जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स का एक सिंपल सा फंडा ये रहता है कि ये जो है आपकी बॉडी के या तो इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, या ये जो है आपके ख़राब बैक्टीरिया से कम्पीट करके जो है आपके नॉर्मल फ्लोरा, जो बैक्टीरियल फ्लोरा होती है आपकी, जो अच्छी वाली फ्लोरा होती है उसको बढ़ाते हैं। प्रोबायोटिक्स के साथ सबसे बड़ी लिमिटेशन बस यही है कि इसकी अभी तक कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं आई है, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कहा जाता है कि अगर आप 3 months का भी कोर्स लेते हैं कुछ कुछ स्पीशीज़ का, हो सकता है 6 months बाद वो वापस बेसलाइन स्कोर्स आ जाएँ, लेकिन कुछ कुछ लोगों में बहुत कारगर मानी गई है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए नॉर्मल थेरेपी काम नहीं कर रही है, तो अपने डेंटिस्ट से आप ज़रूर इस बारे में बात कर सकते हैं कि आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। एक चेतावनी मैं आपको दे दूं बिल्कुल अच्छे से, अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रोबायोटिक्स लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले अपने डेंटिस्ट से संपर्क करिए और उनको अपने आप का जो है केस दिखवाइए, और वो डिसाइड करेंगे कि प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हैं नहीं ले सकते। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट मिनिमल होते हैं, लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि आपको प्रोबायोटिक्स लेनी है, तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट या अपने डॉक्टर से प्लीज़ परमिशन लीजिए और अपना केस दिखवाइए, उसके बाद जो है जब वो प्रिस्क्राइब करें आपको ये प्रोबायोटिक्स, तब आप जो है लीजिए। तो ये था आज का एपिसोड प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। और अपने कमेंट्स, क्वेरीज और अप्रीहेंशन जो है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, मैं व्हाट्सएप पर हो सकता है आपके जो है क्वेरीज़ का जो है जवाब एग्जैक्टली सही टाइम पे ना दे पाऊँ, क्योंकि हो सकता है मैं किसी पेशेंट के साथ हूँ वरना मैं किसी व्यक्तिगत काम में व्यस्त हूँ। प्लीज़ कॉल करने से पहले एक बार मैसेज ज़रूर करिएगा, और अगर आपको जो है कंसल्टेशन करनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।